पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के प्रथम आगमन पर शहर में जगह जगह कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। विगत दिनों हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में बड़ी उथल पुथल हुई है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी युवाओं को दी है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश सरकार में विरोधी पक्ष नेता का दायित्व निरंतर जीतते आ रहे विधायक उमंग सिंगार को सौंपा है। सिंगार के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद उनका औद्योगिक नगरी पीथमपुर में प्रथम आगमन पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जोश और उमंग से स्वागत किया। कई जगह पुष्प वर्षा तो कई जगह पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में बताया कि जिस प्रकार देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, जिस प्रकार सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, जबकि उन्हीं के सांसद की अनुमति से अंदर घुसे भाजपा उन पर कार्यवाही नहीं कर रही है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जी भाई साहब, आपका पीथमपुर में दौरा है, क्या अपनी योजनाएं हैं और लोकसभा के लिए क्या रहेगा पार्टी का दायित्व? देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही, कि जिस प्रकार से सांसदों को निलंबित किया जा रहा, उन्हीं का भाजपा के सांसद की अनुमति भी वो अंदर घुसे और भाजपा उनसे कार्रवाई करने रही है, 45 सांसदों को बाहर कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निरंकुश सरकार चल रही है डबल इंजन की, और यहाँ भी जिस प्रकार से राज्यपाल का अभिभाषण था, मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से कहना नहीं चाहते लाडली बहना के बारे में, किसानों की खाद की बात नहीं करना चाहते, किसानों को 12 घंटे बिजली की बात नहीं करना चाहते, युवाओं को नौकरी की बात नहीं करना चाहते, हम इस बात को जमीन तक सड़क तक ले जाएंगे, सदन की लड़ाई सड़क तक होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।